सनराइजर्स हैदराबाद ने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में अपने होम ग्राउंड पर लगातार दूसरा मुकाबला जीत लिया है। बता दें, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मैच की बारीकियों की बात करें तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र सीएसके के लिए पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन कुछ ही समय में सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टीम को पहली सफलता दिलाई। दरअसल चौथा ओवर डालने आए भूमि ने रचिन रविंद्र को कैच आउट कराया। रचिन 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। फिर हैदराबाद के खिलाफ सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने शुरुआती झटके के बाद टीम की पारी को संभाला। उन्होंने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और पावर प्ले खत्म होने तक और कोई विकेट नहीं गिरने दिया। लेकिन 8वें ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ खुद ही अपना विकेट गंवा बैठे। गायकवाड़ को शहबाज अहमद ने अपना शिकार बनाया। गायकवाड़ ने 21 गेंदों पर 26 रन बनाए और पवेलियन की तरफ चलते बने। शुरुआती झटकों के बाद विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे ने अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ सीएसके की पारी को आगे बढ़ाया। शिवम ने मोर्चा संभालते हुए शहबाज अहमद को और मयंक मारकंडे को निशाने पर लिया। शिवम की तेज पारी के कारण सीएसके ने 9 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट पर 80 रन बना लिए थे। शिवम ने मैदान पर उतरते ही सबसे पहले शहबाज अहमद पर एक छक्का और एक चौका जड़ा। इसके बाद अगला ओवर करने आए मयंक का स्वागत भी चौके के साथ किया। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ धीमी शुरुआत से उभरते हुए शिवम दुबे ने तेजी से खेलना जारी रखा। बता दें, शिवम और रहाणे ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी भी निभाई। इसके बाद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंग्स ने सीएसके के शिवम दुबे को आउट कर टीम को तीसरी सफलता दिलाई। शिवम अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर सके और कमिंग्स ने उनकी शानदार पारी का अंत किया। बता दें, दुबे ने 24 गेंदों पर 45 रनों की शानदार पारी खेली। सनराइजर हैदराबाद के तेज गेंदबाज जयदेव उनाडकट ने सीएसके को इसके बाद चौथा झटका दिया। उनाडकट ने अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को 35 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ टीम की पारी को संभाला। जडेजा ने तेजी से खेलते हुए किसी तरह सीएसके का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेरी मिचेल टी नटराजन की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। मिचेल ने 11 गेंदों पर केवल 13 रन बनाए। मिचेल के आउट होते ही सीएसके के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अंतिम 3 गेंदें खेलने मैदान पर उतरे। उनके क्रीज पर उतरते ही हैदराबाद में दर्शकों ने जोर शोर से उनका स्वागत किया। हालांकि 2 गेंदों पर धोनी केवल 1 रन नाबाद बनाकर लौटे। याद दिला दे, इससे पहले धोनी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 16 गेंदों पर नाबाद 37 रनों की पारी खेली थी और लोगों को उम्मीद थी कि इस बार धोनी ऊपर खेलने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज के मैच में बल्लेबाज शिवम दुबे के 24 गेंदों पर 45 रन और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के 23 गेंदों पर नाबाद 31 रनों की पारी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद के सामने 166 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं विकेटों की बात करें तो हैदराबाद से भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, पैट कमिंग्स, शहबाज अहमद और जयदेव नाटकट को 1-1 विकेट मिले। इसके बाद 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर हैदराबाद की ओर से इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने आए थे। वहीं सीएसके के लिए दीपक चहर पहला ओवर डालने आए थे और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर हेड को खाता खोले बिना ही आउट करने की कोशिश लगभग पूरी कर दी थी, लेकिन स्लिप में खड़े मोइन अली ने हेड का कैच छोड़ दिया और उन्हें जीवन दान दे दिया। तो वहीं हैदराबाद को तीसरे ओवर में 46 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। दरअसल दीपक चहर ने अभिषेक शर्मा को जडेजा के हाथों कैच आउट कराया। अभिषेक ने 12 गेंदों पे 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 37 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद महेश तीक्ष्णा ने सीएसके को दूसरी सफलता दिलाते हुए ट्रेविस हेड को आउट किया। शानदार लय में दिख रहे हेड ने 24 गेंदों पे 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाकर आउट हुए। याद दिला दे, मोइन अली ने हेड को तब जीवन दान दिया था जब उन्होंने खाता भी नहीं खोला था। इसके बाद एडन मार्करम ने पारी को संभाला और शानदार अर्धशतक जड़ा। मार्करम ने 36 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली और उन्हें मोइन अली ने 14वें ओवर में LBW आउट किया था। फिर मोइन अली ने सनराइजर हैदराबाद को एक और झटका देते हुए शहबाज अहमद को पवेलियन की राह दिखाई। शहबाज 19 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए। अंत में हेंड्रिक लासन ने 10 रन और नीतीश रेड्डी ने 14 रन बनाकर SRH को 6 विकेट से शानदार जीत दिलाई। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 165 रन बनाए थे। जवाब में हैदराबाद की टीम ने 16 गेंदें रहते हुए ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बता दें, टीम को अभिषेक
शर्मा और ट्रेविस हेड ने तेज शुरुआत दिलाई थी जिसका फायदा टीम को मिला। वहीं विकेट की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मोइन अली ने 2 विकेट झटके। चेन्नई को इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने भी हराया था और इस सीजन उसे लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट एडिक्टर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।